नमस्कार दोस्तों, गोवल्लभाय स्वाहा। इस 7 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जाप जो भी साधक करता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही धन की कामना करने वाले व्यक्ति को इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। मंत्र के 1,25,000 होते ही आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे कि यदि उच्चारण के समय एक भी अक्षर सही से नहीं पढ़ा जाए तो इस मंत्र का असर समाप्त हो जाता है। कार्तिक मास महात्म्य के 2 अध्याय में भगवान ने कार्तिक व्रत करने के 4 मुख्य कार्य बताए थे। पहला था प्रातः स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि का पूजन और हरि जागरण, और चौथा दीपदान। इन 4 कार्यों का अक्षरस पालन करने पर कार्तिक मास के व्रत का महाफल प्राप्त होता है, जिससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आइए सबसे पहले प्रातः स्नान की विधि जानते हैं। प्रातः स्नान, सूर्योदय से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग करके शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो तीर्थ अथवा पुण्य नदी, संगम, तालाब, बावड़ी, कुएं आदि में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही स्नान करें। कार्तिक स्नान में व्यक्ति को साबुन आदि का प्रयोग वर्जित है। यदि आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो वो नहाने के पानी में गंगा या किसी पवित्र नदी का जल मिला लें। नहाते समय भगवान विष्णु का स्मरण अति आवश्यक है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। नदी में स्नान नहीं कर सकते तो रात भर छत पर रखे तांबे या मिट्टी के बर्तन में भरे जल से स्नान करना भी शुभ रहता है। तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करना भी शुभ फलदायक होता है। तो चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन रात का 30वां भाग एक मुहूर्त कहलाता है, अर्थात एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। सूर्योदय के पूर्व के पहर में 2 मुहूर्त होते हैं। इनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसके बाद वाला विष्णु मुहूर्त कहलाता है, जिसमें सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 4:24 से 5:12 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य की 4 दिन की कथा, अध्याय 4 में। मत्स्य रूप भगवान द्वारा शंखासुर बद्ध एवं प्रयाग महिमा। नारद जी बोले, इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान मछली के रूप को धारण करके विंध्याचलवासी कश्यप ऋषि की अंजुलि में चले गए। तब कश्यप ऋषि ने उस मछली रूपधारी भगवान पर दया करके अपने कमंडल में डाल लिया। मछली तेजी से बड़ी होने लगी। जब वह उस कमंडल में न समाई तो कुएं में डाल दिया और वह मछली निरंतर अपना आकार बढ़ाती रही। जब वह कुएं में भी न समा पाई तो उसे तालाब में डाल दिया गया। अब तालाब में भी न समाई तो समुद्र में डाल दिया। तब वहां मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर को मार डाला और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को चले गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद मंत्र बिखरे पड़े हैं, तुम उन्हें जाकर ढूंढो और बहुत शीघ्रता पूर्वक रहस्यों समेत वेदों को जल में से बाहर निकालकर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को निकाल लिया। उन ऋषियों में से जितना भी भाग जिसने निकाला उस भाग का वही अधिकारी हुआ और उस ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात सब मुनि मिलकर उन खोजे हुए वेदों को साथ लेकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा जी के साथ
विष्णु भगवान को अर्पण कर दिए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक सब ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, पन्नग, गुहक आदि सब पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह समय हमारी प्रसन्नता एवं आनंद का है, इससे आप हमको वरदान दीजिए। हे रमापते, इस समय ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेदों को फिर से पाया है और हमने आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ का भाग प्राप्त किया है। इसलिए हे भगवान, आपके प्रसाद के कारण यह स्थान प्रयाग पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्य को देने वाला हो तथा यहाँ की महिमा भी ब्रह्म हत्या आदि के पाप को दूर करके अक्षय फल देने वाली हो। यह वरदान हमें दीजिए, यही वरदान हमें चाहिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो कुछ तुमने कहा है वह मुझे बड़ा प्रिय लगा है। मैं तुमको वर देता हूँ कि ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ जी गंगा जी को लाएंगे और इस स्थान पर सूर्य के पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे साथ यही निवास करो। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग यहाँ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म करेंगे वे अनंत फलदायक तथा मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। जन्म जन्मांतरों में किए हुए ब्रह्म हत्यादिकादि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य मेरे समीप इस स्थान पर शरीर त्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्यों को पुण्य फल देने वाला होगा। मकर संक्रांति में, माघ मास में स्नान करने से तथा उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करने वाले अपना लोक, अपने समीप और अपना स्वरूप, इन तीन प्रकार की मुक्ति क्रम को प्राप्त करेंगे। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वव्यापी होता हुआ भी बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य जगह पर 100 वर्ष तक तप करने से मिलता है वह तुमको यहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कभी भी कोई पाप नहीं लगता है। सूत जी बोले, हे राजा प्रभु, भगवान विष्णु ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अपने अंशों से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते और सुनाते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। इति श्री कार्तिक मास महात्तम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण।